सो आगे। चलो अच्छा है, जब आदमी पानी में गिरता है, यदि उसको तैरना नहीं आता तो उसका शरीर पानी में डूब जाता है, लेकिन जब वो आदमी मर जाता है तो उसका शरीर पानी में तैरने क्यों लग जाता है? क्या इसके बारे में कभी विचार किया है? इसका रीज़न ये है कि जब आदमी पानी में गिरता है तो आदमी की जो डेंसिटी होती है, यानी कि घनत्व होता है, घनत्व मीन होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ, यदि जिस व्यक्ति का वजन जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, वजन कम होने पर डेंसिटी भी कम होगी। इसलिए व्यक्ति की अपने शरीर की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा शरीर पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर भी एक मिथ है, लोग समझते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद तुरंत ऊपर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति मरने के बाद भी पानी के अंदर डूबा रहता है, वो पानी के अंदर तब तक डूबा रहेगा जब तक कि उसका शरीर सड़ना स्टार्ट ना हो जाए। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर को बैक्टीरिया खाने स्टार्ट कर देते हैं, उसका शरीर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है और अनेक प्रकार की गैसें बनना स्टार्ट हो जाती है। कुल मिलाकर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो जब बैक्टीरिया उसको शरीर को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसका शरीर हल्का हो जाता है और गैसें बनती है उसके शरीर में, उसके कारण भी शरीर बहुत हल्का हो जाता है और उसकी डेंसिटी पानी की तुलना में कम हो जाती है। और उसकी डेंसिटी कम होने पर वो शरीर होता है जो पानी के अंदर डूब गया था, वो पानी के ऊपर आ जाता है। सो यही रीज़न था कि स्वस्थ आदमी होता है, जिंदा आदमी होता है, वो पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन मरने के बाद वो पानी पर तैरना स्टार्ट हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की नॉलेज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।